डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कॉन्स्टेंट मोशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट ये है, ए हेवी पार्टिकल ऑफ वेट डब्ल्यू, एक पार्टिकल इसका वेट डब्ल्यू है, अटैच टू ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग है। डिस्क्राइब द सर्किल इन अ वर्टिकल प्लेन। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग हैज द वैल्यूज एम डब्ल्यू एंड एन डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली। When the particle is at the highest and the lowest point of its path, then we have to show that n equal to m plus 6. यहाँ पे अपने मानते हैं कि OA है, inextensible string है, उसे suppose लंबाई कितनी है? A लंबाई। उसका जो lowest point A है, जहाँ theta equal to zero है, उस A से अगर particle को u वेग से प्रक्षेपित करते हैं, और यहाँ theta equal to zero पे जो string में जो tension है, that is n w, और थीटा इक्वल टू पाई पे यहाँ पे जो स्ट्रिंग का टेंशन दिखा दे रखा है, दैट इज टी इक्वल टू एम डब्ल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई, और हियर वेट डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल एम जी। अपन ये मान के चलते हैं कि किस समय पश्चात मान लीजिए पार्टिकल कहाँ पे आ गया, पी पे आ गया, और ये जो एंगल ए ओ पी है विच इज थीटा, और अपन ये भी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, एम जी है। तो बिंदु पी पर यहाँ पर अपन दो प्रकार से समीकरण लिखेंगे, एक तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश कण की गति का समीकरण, और एक बिंदु P पर अभिलंब के अनुदिश कण की गति का समीकरण। यहां जो पार्टिकल का वेट है, दैट इज mg। सॉल्यूशन देखिए, लेट एंगल ए ओ पी इक्वल टू थीटा एंड डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो बिंदु पी पर कण की स्पर्श रेखीय गति समीकरण, दिस इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। ये अपन ने आर्टिकल में पहले डिराइव कर चुके हैं, और बिंदु P पर कण की अभिलंब दिशा में गति समीकरण, विच इज t इक्वल्स टू m बाई a u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा। ये दोनों इक्वेशंस अपन ने पहले डिराइव कर चुके हैं। अब प्रश्नानुसार बाय द गिवन कंडीशंस एट द हाईएस्ट पॉइंट या दैट इज एट थीटा इक्वल टू पाई टी इज एम डब्ल्यू। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव टी इज एम डब्ल्यू। Here m is w by g, or this is u square minus 2ag. We are putting the value of theta here, theta is phi, so cos phi is minus 1, therefore this is minus 3ag. W is cancel out, so therefore we can say mag equals to u square minus 5ag. Again, from second we have, again, from equation second we have, it is given that at the lowest point, that is
वैल्यू ऑफ एम बाई के विच इज डब्ल्यू बाई जी. दिस कैन रिटन एज डब्ल्यू बाई ए जी. दिस इज यू स्क्वायर माइनस टू ए जी. हियर थेटा इज जीरो, देयरफॉर दिस इज प्लस थ्री ए जी. Therefore, this equation can be written as W is cancel out. This is W, W is cancel out. Therefore, this equation can be G, and AG equals to U square plus AG. From the equation third and four, we eliminate U square. Then we have this can be written as from third. This is MAG plus putting the value of U square from equation fourth. We have MAG equals to U square is can be written as MAG minus AG. और माइनस फाइव ए जी. ए जी ए जी कैंसिल आउट. दिस इज एम इक्वल्स टू एन माइनस सिक्स. दिस कैन रिटन एज एन इक्वल्स टू एम प्लस सिक्स. हैंस प्रूव्ड. वी विल टेक एन अनदर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.